हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 2.1 करेंगे हम। चैप्टर 2 का है ये आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। देखो इसमें क्या कहता है आपको, कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4×10⁻¹ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। मतलब क्या कह रहा है ये, आपको पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पी पर। ये मान लो पॉइंट पी है और ये जो पॉइंट है 9 सेंटीमीटर अवे है, ठीक है ना। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज दिस लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। ये 9 सेंटीमीटर अवे मान लो ये 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है चार्ज पड़ा है क्यू चार्ज है ये, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 4×10⁻¹ कूलम। तो हमें इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही है, के क्यू बाय आर होता है, और आर इसमें ये आपके पास 9 सेंटीमीटर की कहानी दी हुई है, पता है ना ये तो। या फिर इस तरीके से भी लिखते हैं हम 1/4πε₀Q/R, और ये जो 1/4πε₀ है इसको ही मैंने क्या लिखा है, K लिखा है, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो बस सिंपल है, वैल्यूज पुट करो आंसर निकाल लो। तो देखो जरा यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखो K की वैल्यू सभी को पता है आपको 9×10⁻⁹ होती है, ठीक है। और जो Q है यहाँ पर वो कितना गिवन है हमें, 4×10⁻¹। एंड R जो है हमारे पास वो कितना है, 9 सेंटीमीटर का है, विच इज़ वी नो दैट इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 9/100 करेंगे, क्लियर है। चलो इसको यहाँ पर लिखते हैं अब हम। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पोटेंशियल के लिए के क्यू बाई आर होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके लिए के क्यू बाई आर स्क्वेयर आता है। क्लियर हो गई होगी बात, समझ में आ रही होगी, है ना। तो ध्यान रखना है आर यहाँ सिंगल आर होता है, ठीक है, स्क्वेयर नहीं होता इसमें, ठीक है। तो आर की वैल्यू रखेंगे हम 9/100 में, वो 100 आएगा ना, वो 100 हम ऊपर लेकर चले जाएंगे यहाँ पर, ऐसे ही करेंगे। ये 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर देखो जरा अगर आप देखोगे तो ये 4 में कितना बनेगा, देखो ये 10⁻⁹ और -7, 10⁻⁹ कितना बन जाएगा यहाँ पर, ये 2, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पर अगर आप देखो ये 100 है, इसको मैं 10⁻² लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना 10⁻². कई बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज होते हैं, 10⁻² का मतलब शायद 10 के आगे 2 ज़ीरोज़ है तो 1000 होगा, नहीं, 10⁻² का मतलब क्या, 1 के आगे 2 ज़ीरोज़। कहीं पर भी अगर यहाँ 10⁻⁹ है तो मतलब क्या होता है, 1 के आगे 9 ज़ीरोज़ है, समझ रहे हो बात को इतनी, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पर कितना आएगा, 4×10⁴, तो ये आ गया हमारे पास क्या, पोटेंशियल। क्या इतनी बात क्लियर है, और यूनिट आपको बताइए वोल्ट में होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल, ठीक है, एट पॉइंट पी, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा ए पार्ट सोल्व, क्लियर। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सेकंड पार्ट की। वो क्या कह रहा है, कह रहा है हैंस, अब उसके बाद क्या करना है आपको, कह रहा है ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ दिस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। वो कह रहा है मान लो कोई इन्फिनिटी पे, मान लो यहाँ इन्फिनिटी है ये, ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज पड़ा है, ठीक है, मान लो वो चार्ज है क्यू डैश इन्फिनिटी पर, ठीक है, इन्फिनिटी डिस्टेंस है कोई, उस पर क्यू डैश चार्ज पड़ा है जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2×10⁻⁹ कूलम पर। अब इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पर लाना है आपको, कह रहा है अब वर्क डन बताओ आप, फिर हम बाकी की बात करेंगे आगे की। तो इसमें पहले वर्क डन बताओ आप इन्फिनिटी से जब हम पी पॉइंट पर लेकर आएंगे। तो देखो जरा इसके बी पार्ट में जब हम बात करेंगे तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है आपके पास, चार्ज, जो चार्ज लेकर आ रहे हैं वो वाला चार्ज, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कौन सा लेकर आ रहा हूँ, ये क्यू डैश, जिसको मैंने क्यू डैश लिखा है, ठीक है, तो मैं क्यू डैश लिख लेता हूँ यहाँ। और चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर ला रहे हैं, है ना, तो इन्फिनिटी टू पी पॉइंट है, तो क्यू डैश और डेल्टा वी क्या बनेगा हमारे यहाँ पर बताओ, वी फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। तो फाइनल क्या है, हम यहाँ से यहाँ गए, ये इनिशियल है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है ना चार्ज के लिए, इस क्यू डैश चार्ज के लिए, तो यहाँ से यहाँ गए तो फाइनल ये है, तो पोटेंशियल पी का आएगा, फिर माइनस पोटेंशियल ये हमारे पास इन्फिनिटी वाला आएगा, ठीक है, इन्फिनिटी। और हमें पता है पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या होता है, ज़ीरो होता है हमेशा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट वी इन्फिनिटी जो होता है हमारे पास वो ज़ीरो होता है ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा अब, तो ये फाइनल और ये इनिशियल हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो Q डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2×10⁻⁹, और पोटेंशियल P, P पर जो पोटेंशियल है देखो जरा वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये एक्चुअली में क्या है, P पॉइंट वाला ही तो पोटेंशियल था, इस पॉइंट पे पोटेंशियल ही तो निकाला है हमने यहाँ पर, तो ये यही आएगा, VP हमारे पास है ऑलरेडी, तो ये कितना है हमारे पास, 4×10⁴, और यहाँ तो ये ऑब्वियस बात है ये तो ज़ीरो ही हो गया, तो दिस माइनस में ज़ीरो करोगे तो ये तो कहानी हट गई, तो सिंपल ये टर्म बचेगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने, या नहीं, अगर इसको यहाँ पर एक रखना भी आपको एक स्टेप और, तो आप ऐसे लिख सकते हो Q डैश वी पी माइनस में ज़ीरो, तो इसके बाद क्या होगा हमारे पास, Q डैश इंटू में वी पी, क्योंकि Q डैश जीरो के साथ तो ये जीरो ही बन जाएगा, तो सिंपल माइनस ज़ीरो होगा यहाँ पर, तो ये क्यू डैश वी पी होगा, तो ये रख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4×8×10⁻⁹ है, प्लस का 4 है यानी कि माइनस का कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा, क्लियर है।
बता दो कोई और वर्क डन है तो ये जूल में होता है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बता दो समझ में आया, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। और इसमें एक और कहानी आप लिख सकते हो कि अगर इन्फिनिटी से कभी भी किसी भी पॉइंट पर आपको कहा जाए कि चार्ज लेकर आ रहे हैं हम, ठीक है, तो आप वर्क डन बताओ, तो वर्क डन आप डायरेक्ट बता सकते हो कि मान लो इन्फिनिटी से मान लो आप कह रहे हो किसी सी पॉइंट पर लेकर आए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, क्या जो भी चार्ज आप लेके आ रहे हो वो वाला चार्ज मल्टीप्लाई में पोटेंशियल जिस पॉइंट पर लेके जा रहे हो, सी पर लेके जा रहे हैं तो डायरेक्ट हम सी पोटेंशियल लिख सकते हैं, जैसे इस केस में था तो मैं इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकता था क्यू डैश तो है ही है चार्ज जिसको लेकर आ रहे हैं और मैं डायरेक्ट इसको पी पॉइंट पर लेकर आना है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल, लेकिन ये कब है कहानी, जब इन्फिनिटी से ही कोई चीज़ आ रही है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी से कभी भी किसी पॉइंट पर कोई चीज़ आएगी तो चेंज इन पोटेंशियल में जो इन्फिनिटी वाला पोटेंशियल है तो हमेशा जीरो ही होगा, तो डायरेक्ट वो वाला पॉइंट वाला ही पोटेंशियल आएगा, तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, ये भी याद रहना चाहिए आपको, क्लियर है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद देखो जो ये कहता है ना, कहता है डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट, कह रहे क्या जो आंसर जो है आपका वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है, मतलब क्या वर्क डन हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा अगर पाथ चेंज होगा, वो ये कह रहा है विच द चार्ज इज ब्रॉट, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट, मतलब क्या चार्ज अगर इस तरीके से आया या इस तरीके से आया होता इधर तो क्या हमारा आंसर चेंज होता, नहीं, तो आंसर क्या लिखोगे, नहीं। उसका रीज़न क्या है, देखो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो भी चार्ज आप यहाँ लेकर आ रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पर जब आप चार्ज लेकर आओगे तो इस पर इसकी वजह से कुछ फोर्स लग रही होगी, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा या जो भी है अट्रैक्ट कर रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जैसे ये तो सेम चार्ज है तो ये ऑब्वियस बात है जब इसको लेकर आए तो हम इसको ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो यानी कि फोर्सेज हैं यहाँ पर, कौन सी फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नो बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव जो फोर्सेज होती है ना वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, कंजर्वेटिव, ठीक है, सो देयर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती, कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं तो, क्लियर है, तो इसलिए अगर मान लो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हम आए, चाहे ऐसे आए या ऐसे आए, कैसे भी आए, तो जो वर्क डन होगा ना वो सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, तो यानी कि उसका जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे, ठीक है, और वर्क डन जीरो कब होता है, जब क्लोज लूप है, मान लो जैसे इस पॉइंट से मान लो कोई चीज़ चली और इसी पॉइंट पे आएगी, ये क्लोज लूप बन गई, तो यहाँ वर्क डन जीरो जाता है, ये भी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी प्लस वन में, नहीं तो यहाँ इतनी बात याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कहानी है वो कंजर्वेटिव होती है, तो वर्क डन जो होगा हमारा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, तो हमारा आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा, ना ही हमारा आंसर डिपेंड करता है किसी पाथ पर इस केस में, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन्वॉल्व है। फिर अब बुक में लिख रखा है डिस्प्लेसमेंट है टू वेक्टर्स में डिवाइड होता है, उसको छोड़ो आप ये चीज़ समझो, बस आ रही है बात समझ में, ये ठीक है, ये एक चीज़ कर लो, ओके आपकी सारी कहानी, ठीक है जी, तो इसको करो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।